नमस्कार, मैं शौकत सोलंकी प्रगति मीडिया से। ये जो कोरोना जैसी महामारी बीमारी है पूरे विश्व में फैल चुकी है, इसके रोकथाम के लिए भारत को लॉकडाउन किया गया है। आज लॉकडाउन का 5वां दिन है। तो ये नज़ारे देख लो, पूरे मार्केट बंद है, ओके। भाई तू पेट्रोल पंप पर हो, यहाँ पर SDM और पुलिस अधिकारी का आदेश है किसी को पेट्रोल ना भराया जाए, इनसे भी पूछताछ की जा रही है। हाँ बिल्कुल, सरकार का सख्त आदेश है। जो मेडिकल डिपार्टमेंट है या जो एम्बुलेंस है, इमरजेंसी सेवाओं के लिए ही चालू है, आम जन के लिए बंद है। हम सख्त ही बरत रहे हैं। तो इन्होंने बोला है, आदेश है पीछे से, किसी को नहीं भराया जाएगा पेट्रोल, सिर्फ ओनली फॉर इमरजेंसी वालों को भराया जाएगा। तो मार्केट में हूँ, यहाँ देख लो, आज लॉकडाउन का 5वां दिन है। बहुत सुनसान नजर आ रहा है, कोई नहीं दिखाई दे रहा है, लोग अपने घरों में रह रहे हैं, आदेश का पालन कर रहे हैं। पूरा सुनसान नजर आ रहा है। तो अभी मैं दुकान पर आया हूँ, ये भाई साहब बैठे हैं, इनसे पूछताछ कर रहा हूँ। भाई साहब, यहाँ कितनी भीड़ रहती है रोज? बिल्कुल रहती नहीं है, एक से दो से ज्यादा कोई नहीं आता है, और एकदम सख्ती से भी। ये बोल रहे हैं बहुत सख्ती की हुई है, ये जो घेरे बनाए हुए हैं, इन घेरों में एक मीटर की दूरी से है, बहुत सख्त है, और एक या दो से ज़्यादा नहीं आने दे रहे हैं। का मैं अभी मेडिकल स्टोर पर आया हुआ हूँ, यहाँ भी बहुत सख्ती हो रही है, यहाँ भी गोल घेरे बनाए हुए हैं एक एक मीटर की दूरी से। देख लो, पूरी पालना कर रहे हैं, और एक या दो से ज़्यादा लोग भी नहीं आ रहे हैं यहाँ पर। इक्की दुक्की दुकानें खुली है, सिर्फ मेडिकल स्टोर भी खुला है। तो इनसे पूछताछ कर रहे हैं अभी। ये अभी यहाँ पर ज़्यादा लोग नहीं आ रहे हैं? नहीं, ज़्यादा लोग नहीं आ रहे। बाहर से लोग यहाँ पे जो आ रहे हैं, उनका ANM को नाम वगैरह बता के उनका आइसोलेशन रखने के लिए उनको बोल रखा है। वो घर के अंदर ही रह रहे हैं, बाहर निकल नहीं रहे हैं। बाकी बाहर के गांव के जो लोग यहाँ से जाना चाहते हैं, तो नाम और पता वगैरह लिख के उनको बाइक से गवर्नमेंट की सुविधा अनुसार बसों से इनको बाहर भेजा जा रहा है। बाहर गाँव से जो लोग यहाँ आना चाहते हैं, वो लोग अपने नाम पता और एड्रेस वगैरह दे के जहाँ से गवर्नमेंट की व्यवस्था के अनुसार बसों द्वारा भाई तू लाने और ले जाने का कार्य SDM और तहसीलदार BDO की तरफ से जो व्यवस्था बना रखी है उसके तहत हो रहा है। बाकी कोरोना का कोई भी यहाँ पे पॉजिटिव केस अभी तक तो नज़र में नहीं आया। ये बोल रहे हैं अभी तक कोरोना का कोई भी केस नहीं आया है भाई तू में, और जो बाहर से आ रहे हैं उनके लिए भी कुछ व्यवस्था कर रखी है, ANM वगैरह के नंबर दे रखे हैं, उनको जांच कराने के लिए बोल रहे हैं, और डॉक्टर के पास भी जाने को कह रहे हैं, और जो बाहर है उनके लिए बस की व्यवस्था भी कर रहे हैं। ये जो देख रहे हैं डॉक्टर साहब और नर्सेज, ये अपना काम कर रहे हैं, घर घर जाके सर्वे कर रहे हैं, इनसे भी पूछताछ की जा रही है। जी सर, हर घर जा रहे हो? हाँ बिल्कुल, जो सस्पेक्टेड केस है बाहर से है उनके घर विजिट कर रहे हैं। बाकी हमारी जो ANM वगैरह है वो हर घर जा रही है, जो बाहर से है उन सब के घर जा रही है, स्क्रीनिंग कर रहे हैं, और सबको ये बता रहे हैं कि घर पे किस तरह से रहना है, किस तरह साबुन से हाथ धोना है, और किस तरह से परिवार से अलग रहे कि इस कोरोना को हराना है। तो इनका कहना है ये हर घर जा रहे हैं, जो बाहर से है उनके घर अवश्य जा रहे हैं, और नर्सेज हैं जो हर घर जा रहे हैं, इनका कहना है कोरोना को हराना है, बस इनका टारगेट यही है, और प्रशासन का काम कर रहे हैं ये। नमस्कार, देखो ये पुलिस अभी गश्त कर रही है, ये अपना काम कर रही है, प्रशासन अपना काम कर रहा है, कोई बाहर नहीं दिखाई दे रहा है, इनसे भी पूछताछ कर रहे हैं। सर, रोज गश्त करते हो आप? बिल्कुल, 15 से 18 घंटे कंटिन्यू SS साहब के निर्देशानुसार गश्त कर रहे हैं, बट फिर भी कई जो आवारा लड़के है, युवा लड़के है, क्रिकेट खेलने का ज्यादातर गांव में या यहाँ बाजार में शिकायत आती है। अभी भी मैं इधर बाईतू पुराना गांव में गया था, क्रिकेट खेल रहे थे, मैं दौड़ के पीछे भागा भी था, लेकिन फिर मैंने दया देख ली और उनको घर बिठा दिया। बाकी प्रॉपर गश्त कर रहे हैं। तो इनका कहना है कि अभी लोग लापरवाह है, वो घूम रहे हैं और पालना नहीं कर रहे हैं, वो बीमारी को अपना रहे हैं,
वो सोच नहीं रहे कि एक ऐसी बीमारी है कोरोना जैसी महा भयानक बीमारी है, इनसे भी पूछ रहे हैं। तो सर आप भी कुछ कहिए। हाँ, गांव पूरे में गश्त कर रहे हैं, हर गली में हम जाकर और कोई इकट्ठे होते हैं उनको संदेश कर रहे हैं भाई अपने घरों से बाहर मत निकलें और वायरस कोरोना वायरस की पूरी पालना करें। और कई लोग गलियों में इकट्ठे हो जाते हैं बच्चे वगैरह, तो उनको भी हम वापस घरों में संदेश कर डाल रहे हैं, उनको समझाइश कर रहे हैं कि घरों से बाहर न निकलें। और रोड पर कई मोटरसाइकिल वाले भी इधर उधर आते जाते हैं, तो उनको भी वो कहते हैं हम कई दवाई लाने जा रहे हैं, कोई सब्जी ठीक हुई अपने घर से, वो समझाइश कर रहे हैं। ये बोल रहे हैं जो रोड पर वाहन चल रहे हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है आप कहाँ जा रहे हो, समझाइश की जा रही है, अगर कोई काम हो तो जाए अन्यथा घर पर ही बैठे रहे, उनका ये कहना है। पुलिस प्रशासन लगातार गश्त कर रही है पूरे बाइटू में, वो अपना काम निभा रहे हैं, उनसे भी थोड़ा पूछ लेते हैं। सर रोड गश्त करते हो? हाँ मुझे ना ओके, ये अपना काम कर रहे हैं, पुलिस अपना काम कर रही है, गाड़ी तरह तरह से पूछ रही है, अनुमति ली हुई है। ये आए हैं, ये चवा से आए हैं जो SDM ऑफिस कार्यालय जा रहे हैं, और गुड़ा मालानी SDM की परमिशन थी जो दूर से देखी थी, फर्ज बनता है क्योंकि ये वायरस है, बहुत पूरा विश्व तड़प रहा है इस चीज़ से और ये महामारी फैल महामारी घोषित की चुकी है, इसलिए मैंने दूर से देखा लेकिन साफ साफ शब्दों में दिखाई दे रही थी। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।